इस लॉकडाउन में मैं अपने परिवार के साथ हूँ, लेकिन आज मुझे चिंता हो रही है मेरे दूसरे परिवार की, मेरे उस परिवार की जिनके साथ मैं ज्यादा वक्त बिताती हूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मेरा दूसरा परिवार कौन है। मेरा दूसरा परिवार है मेरे इंडस्ट्री के लाइटमैन, स्पॉट बॉय और ड्रेस दादा। फोकस पुलर, कीज, ग्रिप्स, कीटरिंग, इतने सारे अनेक डिपार्टमेंट्स जिनके बगैर हमारी फिल्में बन नहीं सकती, संगीत बन नहीं सकता। ये सारे 32 क्राफ्ट के वो सब लोग हैं जिनके बिना हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। इट्स लाइक माई सेकेंड होम एंड मैं अपने वर्क प्लेस को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो हर रोज 30 से 40 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं सेट पे आने के लिए, चाहे वो नायगांव हो या कहीं और हो। वो लोग जो कभी पर्दे के आगे नहीं आए, लेकिन हमें पर्दे पे लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये वो सब लोग हैं जिनके बिना हमारी इंडस्ट्री एक दिन भी नहीं चल सकती। सच कहूँ तो इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग घर पर हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। उनका क्या? मुझे चिंता है उस परिवार की जिनका रोजी रोटी हमेशा शूट करने से होता है। वो मेकअप मैन जिसने हमेशा मुझे पर्दे पर सुंदर दिखाया, पता नहीं आज उसके चेहरे की परेशानी कैसे मिट रही होगी। यही वो लोग हैं, ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं, और इस वक्त अब हमारा वक्त है कि हम इनकी मदद करें। उन लोगों को पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं और वो पैसे इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं। जिनके पास साधन कम है, पैसे कम है, लेकिन ये उम्मीद है कि हम उन्हें संभालेंगे। तो मैं बस सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि मेरी उस फैमिली के लिए आप सबसे जो भी हो सके, मुझसे जो भी हो सकेगा, हम सब मिलके अगर उनकी मदद करेंगे। ये हमारा वक्त है उनके लिए कुछ करने का। और जैसे आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इस परिवार के लिए भी थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए कि उनका भी गुजारा हो सके। इस मुश्किल वक्त पे सबको आना पड़ेगा, जैसे भी, जितना भी, जिस भी तरीके से हो सके इन तक पहुँचे, इनसे इनकी जरूरतें पूछे और उनको पूरा करने की कोशिश करें। ये है हमारे अनसंग हीरोज एंड दिस इज द राइट टाइम where we put our forces together and we save them. मैंने अपने हिस्से की मदद उन तक पहुंचा दी है, लेकिन मैं अकेले काफी नहीं हूँ। लेकिन मैं अकेली काफी नहीं हूँ। लेकिन मैं अकेला काफी नहीं हूँ। उन हाथों को थामने के लिए और हाथ चाहिए, उन लोगों को हम सबका साथ चाहिए। इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आए, अब हम सब मिलकर हमारी दोनों फैमिलीज को बचाएं। 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स, 32 क्राफ्ट, एक फिल्म इंडस्ट्री, आइए इस नेक काम में हमारा हाथ बटाइए। इन दिस लॉकडाउन मैं अपने घर पे हूँ, घर वालों के साथ हूँ और सुरक्षित हूँ। लेकिन क्या हम अपने दूसरे परिवार के बारे में सोच रहे हैं? हमारे दो परिवार हैं, एक परिवार के साथ मैं यहाँ हूँ, हम अपने घरों पे, और एक हमारा ऐसा परिवार है जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। मेरे सेट के लोगों के साथ, मेरे उस परिवार के साथ, मेरे घर के लोगों से, मेरे इस परिवार से ज्यादा टाइम बिताती हूँ। ड्रेस दादा, मेकअप दादा, लाइट मैन, यू नो, इन सारे 32 स्किल्स के वर्कर्स के बगैर हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चल सकती है। ये लोग कभी पर्दे के सामने नहीं आते, मगर 12 घंटे एक पैर पे हम सब के लिए खड़े रहते हैं। ये लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, हमारी जिंदगी, हमारा काम इतना आसान बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर रोज अपने अपने घरों से 30-40 किलोमीटर दूर बसेस से, ट्रेन से ट्रेवल करके शूटिंग के लिए आते हैं। ये सारे लोगों ने हम बहुत सेवा की है। पता नहीं स्पॉट दादा जो आज तक हमें खाना खिलाते आए हैं, चाय पिलाते आए हैं, पता नहीं उनके घर पे 2 वक्त की रोटी है कि नहीं। वो लाइट मैन जो सेट पे रोशनी रखते हैं, क्या आज उनके घरों में उम्मीद की रोशनी होगी कि नहीं? मुझे उनकी चिंता हो रही है कि आई होप वो ठीक से हो, वो सुरक्षित हो। ये वो डेली वेजेस वाले लोग हैं जो रोज कमाई करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज जो है अपने घर परिवार को चलाते हैं। दे आर आवर फैमिली, दे आर द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द इंडस्ट्री, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर लाइव्स। इनकी वजह से हमारा काम चलता है। सबके बिना, उन सबकी मेहनत के बिना कोई भी टीवी शो, कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। सारे डिपार्टमेंट्स के लोग, उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं और आगे आगे और बढ़ेंगी। जिनके पास अभी साधनों की कमी है, लेकिन उम्मीद की नहीं कि हम सब मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। आज हमारा वक्त है उनके लिए कुछ करने का। देखिए, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, मगर आज वक्त है दिल बड़ा करने का। मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है, मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने अपनी मदद उन तक पहुंचा दी है, लेकिन मेरा हाथ काफी नहीं है।
इनके हाथ को पकड़ने के लिए और हाथों की जरूरत है। प्लीज आप लोग भी आगे आएं और उनकी मदद करें। लेकिन अकेले मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आओ मुश्किल में एक दूसरे के काम आए। मैं अपील करना चाहता हूँ, अपने परिवार की तरफ देखते हुए, उनका ख्याल करते हुए, आप प्लीज डोनेट करिए। 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स, 32 क्राफ्ट, 1 फिल्म इंडस्ट्री, आइए इस नेक काम में हमारा हाथ बटाइए।